शराब घोटाले पर ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं से अरविंद केजरीवाल से केवल एक सवाल, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, संजय सिंह भ्रष्टाचारी या ईमानदार सारे देश के सामने आ जाएगा। सवाल यह है कि विवेक त्यागी, जो कि संजय सिंह का असिस्टेंट है, संजय सिंह का सहायक है, रात दिन संजय सिंह के साथ रहता था, लगभग पिछले 13-14 साल से हर मंच पर हर कार्यक्रम में विवेक त्यागी संजय सिंह का बैग उठा के चलता था, संजय सिंह के घर अगर जाओ तो दरवाजा खोलने का काम विवेक त्यागी करता था। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बना, कैसे उसके बिजनेस का हिस्सेदार बना, इसके लिए कौन सी डील हुई, और विवेक त्यागी के दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बनते ही कैसे दिनेश अरोड़ा की कंपनी को दिल्ली के सारे ठेके दे दिए गए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक उनकी एक्सेस हो गई, वो फोटो दिनेश अरोड़ा की फेसबुक पर है, दिनेश अरोड़ा के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर है इन नेताओं के साथ फोटो, और वो डेट बताती है कि पहले विवेक त्यागी को पार्टनर बनाया गया और उसके बाद इन बड़े बड़े नेताओं ने विवेक त्यागी से मिलना शुरू किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर विवेक त्यागी नहीं, संजय सिंह खुद हैं। जी हां, राज्यसभा सांसद संजय सिंह उसके बिजनेस का पार्टनर है और कागज पर नाम संजय सिंह के सहायक विवेक त्यागी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं खुली चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, उनके नेताओं को, इस सवाल का जवाब दिल्ली की जनता को दीजिए कि विवेक त्यागी शराब के बिजनेस का पार्टनर कैसे बना और उसके बाद ही उसी कंपनी को दिल्ली में शराब के ठेके कैसे दिए गए। इस सवाल का जवाब अगर आप दे पाएंगे, इसी जवाब में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पूरे भ्रष्टाचार का राज छिपा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।